हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार और आज स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं कि सामने वाला आदमी बिना बताए समझ जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद कीजिए, डायमेंशन में भी हम लोग अगर कोई एफ मान लिया, अगर फोर्थ को हम डिनोट करते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते थे तो याद कीजिए समझ जाते थे, सामने वाला आदमी बिना बताए समझ जाता था कि अच्छा इसका डायमेंशन की बात हो रही है, फोर्स का डायमेंशन हमें लिखना है, इसकी बात हो रही है। या सिंपल ए प्लस बी, तो इस सिंबल को देखकर ही सामने वाला आदमी समझ जाता है कि अच्छा ए और बी को हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना कहे बहुत सी बातें ये रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं कि सामने वाला आदमी समझ जाता है कि वेक्टर है। तो स्टूडेंट उसके लिए इन जनरल सपोज कीजिए कि एक्स अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखे हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो एक्स अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो एज ए कन्वेंशन, ये कन्वेंशन के रूप में हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं कि इसके ऊपर इस सिंबल को दे दिया जाता है, दिस सिंबल, इसको हम अलग से लिख रहे हैं, दिस सिंबल, इस सिंबल को जो वेक्टर का जो नोटेशन है, जो सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर हम रख देंगे तो अब सामने वाला आदमी जो है वो बिना बताए समझ जाएगा कि एक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? इस सिंबल को स्टूडेंट, इसको कॉमन लैंग्वेज में ज्यादा पॉपुलर है, इसको एरो कहा जाता है, दिस इज नोन एज एरो, पता है हम लोगों को, बट इनफैक्ट इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका नाम होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बहुत इजी है, समझ सकते हैं क्यों इसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम कहते हैं। चलिए ठीक है, इसे थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए दिस इज योर लाइन इंजीनियर, ये लाइन है, इसका लेंथ फिक्स नहीं है, लाइन ये इस तरह से चला आ रहा है, लाइन लाइक दिस, ये इस तरह से चला जा रहा है, ठीक है। दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, ठीक है। अगर इसका कोई फिक्स नहीं है लेंथ, अगर इसका एक हम सेगमेंट ले लें, एक पर्टिकुलर लेंथ को कंसिडर कर लें, ठीक है ना, यहां से यहां तक, देन नाउ दिस इज लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, टुकड़ा, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज लाइन सेगमेंट, अब क्या है कि इसका डायरेक्शन नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, तो चलो इसको एक डायरेक्शन दे देते हैं बाय पुटिंग दिस एरो, बाय पुटिंग दिस सिंबल, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये डायरेक्टेड हो गया, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, लाइन सेगमेंट तो पहले से था ही, एंड सो नाउ दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इसी को पॉपुलरली ये कहा जाता है एरो। बहुत पहले से हम लोग जानते हैं इसको, तीर धनुष वाला एरो रामायण में जो यूज होता था, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज एरो, कोई भी सिंबल है, वेक्टर है, इसके ऊपर में दे देंगे। देखिए ये जस्ट एक कन्वेंशन है, अलग अलग कहीं कहीं आपको क्या है कि फॉरेन राइटर का बुक जब आप पढ़ेंगे, जैसे डेस्टिनी हॉलिडे वगैरह, तो वहां पर इस सिंबल को यूज नहीं किया जाता, ये एरो वगैरह नहीं दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि अगर एक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे डार्क, थोड़ा डार्क करके इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, जस्ट ये अपना उनका एक कन्वेंशन है, ये तरीका है लिखने का, सो डेट कि सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि अच्छा ये एक्स है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग नॉर्मली इस सिंबल को फॉलो करते हैं, क्लियर है। यहाँ पर स्टूडेंट पता है हम लोगों को, ये जो एरो हुआ, ठीक है, इस एरो का ये जो पिछला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल, दिस इज नोन एज टेल, और जो आगे का ये जो पोर्शन होता है इसको हेड कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें की जा रही है, क्योंकि ये सबका आगे यूज होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब तक हम लोग डील कर लिए हैं वो क्या हो गया, ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग एन एरो, एरो हम पुट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, ओवर इट्स सिंबल, जो सिंबल है उस सिंबल के ऊपर हम क्या करते हैं एरो दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ पी इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, पी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, देन वी राइट इट एज, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, पी के ऊपर ये वेक्टर का साइन दे देते हैं, एरो का साइन दे देते हैं, तो समझ जाते हैं कि अच्छा पी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज नोन एज एरो, इसके पिछला पोर्शन दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज नोन एज हेड। चलिए कुछ बहुत नया नहीं था। दूसरा जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, वो ये जो एरो हम लोग यूज करते हैं, ये जो एरो हम लोग यूज करते हैं, इस एरो का लेंथ जो होता है उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करता है। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग को पता है, लास्ट क्लास में देखे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है ना? तो एरो का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो उसके डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे, इसे थोड़े दो चार एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नोट करने के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ एरो, एरो का जो लेंथ होता है गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड को शो करता है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना वैल्यू है, 2 न्यूटन का है कि 4 न्यूटन का, कितना वैल्यू है, कितना स्ट्रेंथ है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो, और एरो का जो डायरेक्शन होता है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करता है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा। एग्जांपल वन अगर बात करें, ठीक है, सपोज कीजिए अभी मान लिया पहला एग्जांपल, कोई हम वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर जिसको मान लेते हैं हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर में एरो लिखेंगे, वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी तो चलिए ऊपर में हम एरो दे दिए। अब मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है, जस्ट लेट दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, टू आर ईस्ट। क्लियर है? मतलब कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, उस वो सिचुएशन है, उसको सिंबॉलिकली हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आगे ये टाइम टू टाइम आपको ये मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है? नाउ अब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, दिस इज वी। क्लियर है? मान लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में एग्जांपल टू, एक दूसरा वेलोसिटी वेक्टर V2 मान लेते हैं, इसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, दोनों ईस्ट की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि जो एरो का लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा, उतना लंबा उसका लेंथ होगा एरो का, ठीक है। तो रफली अगर ये V1 इसको बाद में कर दिए थे, तो ये अगर V1 वेलोसिटी वेक्टर है, तो V2 जो वेलोसिटी वेक्टर होगा जो कि 15 मीटर पर सेकेंड है, ये ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? और ईस्ट डायरेक्शन में V2, दिस इज V2 वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट? एक बात को ध्यान में रखना है, कहीं से भी ये V1 जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, अब इसका डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, तो हम V1 वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको इसी ये क्वाड्रेंट में आपको दिखाना है, कहीं भी आप दिखाइए, इसका डायरेक्शन वही है, लेंथ वही है, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है। लेकिन नॉर्मली एक अपना हैबिट बना लीजिए, कोशिश करें इसका ये जो ओरिजिन होता है वहाँ से दिखाने का। तो अगर यहाँ से दिखाते हैं तो V1 वेलोसिटी वेक्टर को आप कुछ इस तरह से लाइक दिस ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो V1 वेलोसिटी वेक्टर, V1। क्लियर स्टूडेंट? और उसी तरह आप V2 को भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पर से दिखाइए, आप यहाँ से भी ऐसे दिखा सकते हैं V2, दिस इज योर V2, सेम लेंथ 15 मीटर पर सेकेंड, और सेम डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। क्लियर स्टूडेंट? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल टू के लिए भी इसी डायग्राम में इसको बना दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, जस्ट अब मान लेते हैं कोई फोर्स वेक्टर ले लेते हैं, फोर्स वेक्टर ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। क्लियर है? एंड दिस इज
टुवार्ड वेस्ट, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा कि कोई व्यक्ति जो है 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वेस्ट की तरफ लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? वेस्ट की तरफ लगा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेना है, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो अब इसके ओरिजिन से आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी वेस्ट की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया वेस्ट हो गया, तो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी, लेकिन ओरिजिन से मेक योर हैबिट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है। दिस इज एफ वेक्टर, तो यहाँ से इस तरह का हम डायग्राम बना दिए, दिस इज एरो एंड दिस इज योर फोर्थ वेक्टर, क्लियर है। 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अच्छा एक इससे बेहतर एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी से अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियस है वेक्टर है तो एरो का साइन उसके ऊपर में देंगे, ठीक है, जो हमारा कन्वेंशन है। दिस इज 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हर चीज़ को स्टूडेंट अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ को सीखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले उसी चीज़ को सीखने के लिए स्टेप बाई स्टेप वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। ये सारा चीज़ आपको समझा हुआ होना चाहिए तो वहाँ पर समझेंगे। नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा कि कोई आदमी जो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चला है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस यही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को नोट कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो समझ जाइए तो श्योर है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इसी कहीं इसी के बीच में किसी डायरेक्शन में होगा। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ, ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब व्यक्ति जो है वो आदमी वो पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर ऐसे चला होगा, क्लियर है। आगे कैसे ये सब का यूज होने वाला है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक आदमी जो है 10 मीटर चला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर 4 मीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर 3.5 मीटर चला 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में, तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, बात समझ रहे हैं। वहां पर ये रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं अगेन, चलिए एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही मान लेते हैं, डी वेक्टर, डी वन इसको कर देते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो 5.7 मीटर मान लेते हैं चला है, 5.7 मीटर फोर्टी फाइव डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में चला है, ठीक है। पर सिचुएशन होगा कोई आदमी 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है, कितना दूर चला है, 5.7 मीटर। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, दिस इज योर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब इसी कहीं डायरेक्शन में चला है, कितना एंगल पे बना रहा है, 45 डिग्री किससे बनाएगा, वेस्ट डायरेक्शन के साथ। अभी जस्ट देखें 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब 30 डिग्री एंगल बनाएगा ईस्ट के साथ, 30 डिग्री एंगल ईस्ट के साथ, तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री एंगल वो बना रहा है वेस्ट के साथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस टाइप का ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डी वन वेक्टर और ये लेंथ कितना है, इसको एक रफली शो कर रहे हैं 5.7 मीटर। अब ऐसा नहीं कि सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं ये 5.7 है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं 100 मीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 5.7 मीटर भाई इतना दिखाएं तो 100 मीटर सीधे ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक कन्वेंशन है, एक अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। जैसे अभी लास्ट एक इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देखे थे, पहला ये दूसरा में, ठीक है ना, कि एक कि 5 मीटर अगर इतना है तो 10 मीटर चलो इतना मान लेते हैं,
अगर सपोज कीजिए कहीं सिचुएशन में कहीं 100 मीटर दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये डिस्टेंस इतना भाई है, 100 मीटर है, क्लियर। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज योर डी1 वेक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब ये ध्यान दीजिए कि 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो मतलब वेस्ट के साथ 45 बनाया तो साउथ के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, 45 ही बनाएगा ना, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री। तो ऐसे केसेज में इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कहते हैं 5.7 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, चूंकि ये जस्ट बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो गया, बीचों बीच हो गया, बाइसेक्टर के अलॉन्ग, वेस्ट के साथ भी 45, साउथ के साथ भी 45, तो ये बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो गया। तो इसी चीज को इस तरह से भी लिखते हैं, सेम चीज, 5.7 मीटर 45 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन, समझ रहे हैं। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया होगा, उसका एक छोटा पार्ट है कि एक आदमी जो है 5.7 मीटर चला है 45 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो इस तरह से टर्न हो जाता है एंड लाइक दिस। तो वहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए सिचुएशन कि अच्छा किस डायरेक्शन में किस तरह से वो जा रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए और कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट। एग्जाम्पल 6, चलिए लेट मान लेते हैं एक वेलोसिटी वेक्टर, मान लेते हैं दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट, ध्यान देना है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि कोई आदमी कोई गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से, ईस्ट से का मतलब हो गया वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट पहले डायग्राम ये ड्रॉ कर लिए, ईस्ट से, ईस्ट से, तो ईस्ट से मतलब वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, और यहाँ पर रफली एज्यूम कर लेते हैं कि इसका लेंथ जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये वेलोसिटी वेक्टर मेरा हो गया, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अब जो एक तीसरा आज के क्लास के लिए नया बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हम लोगों को पता है कि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल एरो दे देंगे सिंबल के ऊपर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड को सिर्फ लिखना चाह रहे हैं, सामने वाले को बताना चाह रहे हैं कि भाई हम वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अगर ये आपका मान लेते हैं एक्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है चूंकि हम एरो ऊपर में दे दिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, मतलब इसमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना, इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, अभी जस्ट बहुत सारे एग्जांपल देखें, वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर तो 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड भी है, इतना स्पीड से जा रहा है, इतना स्ट्रेंथ के स्पीड से वो चल रहा है, एंड टू आर ईस्ट लाइक इस और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। लेकिन अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का चर्चा करना चाहें, बात करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिम्बॉल है सिंपली या तो डायरेक्ट हम लोग बिना उस एरो का डायरेक्ट लिख दे तो भी सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि अच्छा इसका मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, या ये जो सिंबल है इसका विथ वेक्टर नोटेशन इस एरो के साथ, इसको हम इस मॉडलस में रख देते हैं, इस साइन के अंदर रख देंगे, तो भी सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि अच्छा इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ मान लेते हैं कोई वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में, तो सिचुएशन होगा कि कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं देन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर अब इस तरह से सिर्फ लिख रहे हैं मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो सिंपली सिर्फ लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, या फिर अगर सीधे भी लिख दिए तो भी इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, कैसे लिखे, क्लियर है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल को हम लोग निकालते हैं, और उसके जस्ट बाद हम लोग
एडिशन को करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, समझिएगा। इनफैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, याद कीजिए स्केलर में जब आप एडिशन सीखे थे 2+3, मान लिया दो नंबर को आप लोग एडिशन करना बच्चा ही को जब सिखाया जाता है तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट 2+3 ऐड करना सिखा दिए, ठीक है ना, नहीं कि 2+3 डायरेक्ट ऐड 5 होता है, नहीं, आपको पहले ये सिखाया जाता है कि भैया 2 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, 3 कैसे लिखा जाता है, उसके बाद एडिशन की बात होती है, ठीक है ना। वही चीज़ अभी कर रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे कि कैसे उसको ऐड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।